वेलकम स्टूडेंट्स, आज ये फिजिक्स की दूसरी वीडियो है। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया, चाल या वेग की जो मात्रक था यानी यूनिट थी उसको मैं यहाँ तक कर लिया था। अब मैं कुछ और ऐसी क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां लिखने जा रहा हूँ जिनके बारे में आपको सीखना है। एक बात और, खासकर 12th और 11th वाले बच्चों को बता दूं कि ये इतनी सही काम नहीं चलेगा, आप लोगों को अपनी बुक से बहुत सारे यूनिट्स याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सिलेबस है इसलिए वो करना पड़ेगा आपको। रही बात 9th और 10th की, उनके लिए ये पर्याप्त होंगी, ठीक है। अब मैं और कुछ लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक। देखिए, अब कुछ और क्वांटिटीज ले ली है मैंने, जैसे सबसे पहली है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ये लिखा हुआ है CH, यानी कि चेंजिंग इन वेलोसिटी यानी वेग परिवर्तन। फिर लिखा हुआ नीचे टाइम, जिसको हम समय कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल। फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान और एक्सेलरेशन कहते हैं त्वरण, जिसका यूनिट निकालेंगे हम। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, यूनिट निकालते कैसे, मैंने कल भी बताया था, इसको दोबारा समझ लेते हैं कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में कौन है टाइम, किसकी क्या हो गई सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड यहां कटेगी नहीं, सेकेंड से सेकेंड कटेगी नहीं, जिसकी वीडियो में मैथ के बेसिक मैथ में आपको सिखा चुका हूं कि सेकेंड से सेकेंड का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जिसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह जाके देख सकता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे है कि मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या निकल के आई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एक शब्द बोला मैंने एसआई, अभी मैं आपको आगे जब इसके बाद समझाऊंगा ये एसआई वर्ड है क्या, ठीक है ना। अभी तक देखेंगे और वर्क को कहते हैं कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को आप जानते हैं क्या बोलते हैं बल, और डिस्प्लेसमेंट को मैं बता चुका हूँ क्या बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट कैसे होगी कि फोर्स की क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है मीटर, तो मीटर का मल्टीप्लाई मीटर से कितना हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट क्या है जूल। ऐसे टॉर्क क्यू, टॉर्क क्यू होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। एक बात मैं समझा दूं, कुछ लोग ये सोचे हैं कि डिस्टेंस ही है, नहीं सर डिस्टेंस नहीं कुछ और है, तो यहां समझा दूं कि बल गुणा बल की दिशा में, मतलब क्रिया जो क्रियारत लंबवत दूरी होगी वो दूरी है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इक्वल, इसका फोर्स को बोलते हैं न्यूटन और डिस्टेंस को बोलते हैं हम मीटर, तो क्या हो गया न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं मोमेंटम, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इम्पल्स, इम्पल्स होता है आवेग, फोर्स इंटू टाइम, इसका है न्यूटन, यानी फोर्स का और टाइम का हो गया सेकेंड। अब आती है एनर्जी, एनर्जी जहां भी आ जाए जो भी एनर्जी आए, क्योंकि हम जितने भी फील्ड की बात करेंगे तमाम फील्ड हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, उन सभी में जहां भी एनर्जी वर्ड लग जाए उसकी यूनिट होती है जूल। तमाम फॉर्मूले होते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का अलग है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग है, न्यूक्लियर एनर्जी अलग है, यानी जितनी भी एनर्जी है उन सबका होता है जूल, ठीक है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, जो शब्द बोला था मैंने एसआई वो क्या है। दूसरी बात, 9th क्लास तक तो ये ठीक है, यहां तक ठीक है, चल जाएगा काम, लेकिन 9th 10th भी चल जाएगा, लेकिन 11th 12th वाले बच्चों को यहीं तक नहीं रुकना है, आपकी बुक उठानी है 11th की, जिन्होंने 11th कर ली है वो 11th की उठा लें, और जो 11th में आने वाले हैं वो 11th की कोई पुरानी बुक ले लें, उसमें सबसे पहले या दूसरे चैप्टर में आपको तमाम ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे, तमाम ऐसी कई सारी क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां मिल जाएंगी जिनके मात्रक दिए हुए हैं। अभी मैं आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूँ विमाएं, एक विमाएं और सिखाऊंगा खासकर 11th और 12th वालों के लिए, 9th और 10th वालों के लिए विमाएं नहीं काम करती हैं, 11th और 12th वालों के लिए डायमेंशन जिनको हिंदी में बोलते हैं विमाएं वो भी हम सिखाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे सिस्टम्स की, ठीक है। देखिए यहां चार सिस्टम यानी जिनमें चीजें नापी जाती है, क्योंकि पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां अपना अपना सिस्टम चलता है नापने का, जैसे हमारे चलता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम
सभी के आगे, है ना। अब ये क्या मतलब है इसका, जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में नापें, मास को किलोग्राम में नापें और टाइम को सेकंड में नापें। ये सीखना इसलिए जरूरी है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो हमारे मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे सीजीएस यानी कहीं और किसी देश में जैसे फ्रांस है या कहीं और ब्रिटेन है, वहां पे क्या चलता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। यानी कि डिस्टेंस को बोलो सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। अब बात कर लें एक और सिस्टम है एसपीएस, जैसे हम लोग भी कहीं भी कभी यूज करते हैं, फोटोग्राफ देखा होगा आपने, लेकिन अमेरिका है वो मोस्टली एसपीएस सिस्टम चलाता है, यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एक चीज और शॉर्ट टी के लिए कमेंट ना करेंगे, अमेरिका फ्रांस या ब्रिटेन में चलता है या नहीं चलता, बस इतना समझ लें कि ऐसे विदेशों में कुछ और सिस्टम चलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में एम के सिस्टम चलता है। तो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम यानी डिस्टेंस को बोलो फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। अब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां ये सारे के सारे एक ही यूनिट को लें, जैसे वो है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे मैंने आपको फोर्स की अभी चीज मैंने क्या बताई थी कि हमारे यहाँ क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं न्यूटन। यानी ये क्या है ऐसा ही सिस्टम, ऐसा सिस्टम में क्या है न्यूटन, यानी सभी जगह न्यूटन बोला जाएगा। एक चीज यहां समझा दो, अगर ये चीज किलोग्राम मीटर सेकंड की अगर सीजीएस में होती तो कैसे होती, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं डाइन। ये न्यूटन है जो एमकेएस सिस्टम को चेंज किया गया है एसआई सिस्टम में, और ये सीजीएस सिस्टम को चेंज किया गया है एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो ये दोनों एसआई यूनिट पूछी है पेपर में, खासकर ट्वेल्थ के एग्जाम्स की बता दू, दो नंबर का चाहे मल्टीपल क्वेश्चन हो या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, दो नंबर एक नंबर का 100% एक यूनिट पूछी जाती है और हमेशा वो एसआई सिस्टम में पूछी जाती है। वहां पे शब्द यही आएगा एसआई सिस्टम में, इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या है। इंटर ही नहीं, इंटर के बाद जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे जिसमें फिजिक्स आती होगी, वहां पे एक या दो यूनिट हमेशा पूछी जाती है कि बताओ इसकी एसआई यूनिट निम्न में से कौन सी है या कौन सी नहीं है। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं डिस्टेंस के छोटे बड़े यूनिट्स की, यानी छोटे बड़े मात्रक की, और ग्राम यानी कि जो द्रव्यमान है मास है उसके छोटे बड़े मात्रक की, और टाइम की। जैसे हमारे मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर ये तमाम चीजें चलती हैं, तो उसके एक पहले छोटी सी ट्रिक देने जा रहा हूं, उसके बाद मैं बता दूंगा कि किसमें क्या लगाना है आपको। ठीक है, देखिए अब ये कुछ पावर ऑफ 10 यानी अगर 10 की पावर बन जाए इतनी तो उसको क्या बोलते हैं। अभी मैं जब आगे वीडियोस बनाऊंगा या पढ़ाऊंगा तो आपको 10 की पावर बनाना भी सिखाऊंगा कि 10 की पावर बनती कैसे और चेंज कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ याद करना पड़ेगा। कैसे कि 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका, 10 की पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, 10 की पावर 3 को बोलते हैं किलो, 6 को बोलते हैं मेगा, 9 को बोलते हैं गीगा, 12 को बोलते हैं टेरा, 15 को बोलते हैं पेटा और 18 को बोलते हैं एक्सा। ऐसे ही छोटी अगर बात करें स्मॉल्स की बात करें तो -18 को बोलते हैं एटो, -15 को बोलते हैं फर्मी, 12 को बोलते हैं पिको, 10 को बोलते हैं एंगस्ट्रम, -9 को बोलते हैं नैनो, 6 को बोलते हैं माइक्रो, 3 को बोलते हैं मिली और -2 को बोलते हैं सेंटी। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक देने जा रहा हूं जो एक छोटे से बच्चों को हर किसी को आती है, किसी बच्चे ने मुझे सिखाई मैं उसको आपको अब उसे मैं अब आपको सिखाता हूं। ठीक है, देखिए ये छोटी सी ट्रिक है। कल हमें दिल्ली में दो चोर मिले, यहां पर मैंने एम लगाया था किलोमीटर हेक्टोमीटर डेकामीटर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ऐसी है किलोग्राम हेक्टोग्राम डेकाग्राम ग्राम डेसीग्राम सेंटीग्राम और मिलीग्राम। आपको एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, कल हमें दिल्ली में दो चोर मिले, जिससे बहुत आसान हो जाएगा। सपोज की ये हमारा जीरो है, इधर जैसे में बढ़ते जाएंगे 10 की पावर माइनस में बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे 10 की पावर प्लस की बढ़ती जाएगी। मोस्टली जब न्यूमेरिकल हम करते हैं न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो वहां पे इन चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। कुछ और हैं जो मैंने आपको लिखा दिए हैं, उनमें से कुछ थोड़ी बहुत चीजें यूज होती है। मोस्टली
किलोमीटर और मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में चीजें ज्यादा यूज होती हैं। इसलिए ये याद करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल ट्वेल्थ वाले नहीं कर पाते हैं उनके लिए खास कर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे दिक्कत बाद में ना हो आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं कुछ और सिखाने जा रहा हूँ, उसको सीखना आपको। देखिए, डिस्टेंस के कुछ छोटे और बड़े जिनका इस्तेमाल मोस्टली न्यूमेरिकल्स में होता है, होने को भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ वो इम्पोर्टेंट लिखे हैं जिनका यूज हमारे न्यूमेरिकल्स में हो जाता है। जैसे एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^3 मीटर। वन लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष जिसे कहते हैं हिंदी में, 9.46 × 10^15 मीटर। वन पार्सेक इक्वल 3.16 × 10^16 मीटर। ये बता दूं, ये यहाँ पे डिजिट किसी किसी बुक में 7 हो जा सकती है या 5 या जो भी है, लेकिन मैंने एक बुक से जिसमें से लिखा है ये उससे है 3.16 × 10^16 मीटर। 1 cm = 10^-2 मीटर। 1 mm = 10^-3 मीटर। ऐसे माइक्रोन, माइक्रोन का एक सिंबल होता है, कुछ यू है ना, यू को हम थोड़ा अगर इधर करते तो माइक्रोन बन जाता है। ऐसे एंगस्ट्रॉम है, 10^-10 मीटर, ये इसका सिंबल है कि ए के ऊपर हमें एक बिंदी लगानी होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस के लिखे, आप मुझे मास और टाइम दोनों के लिखेंगे भी और उसको मुझे सेंड करेंगे कि आपने वो काम किया है या नहीं। जैसे मैंने डिस्टेंस के लिखे ऐसे आपको मास के और टाइम के लिख के दिखाने मुझे, छोटे और बड़े। जैसे टाइम में क्या है कि एक वर्ष में कितनी सेकंड होती हैं, एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, एक पिको सेकंड में कितनी सेकंड होती हैं, नैनो में कितनी होती हैं, तो ये मुझे आप सेंड करेंगे लिखकर, ठीक है। इतना आप काम करें। दूसरा, मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।